आज हम देखने वाले अपना नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 7। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। एक नेटवर्क गिवन है हमारे पास और इस नेटवर्क में हमें ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। आपको नेटवर्क दिखाई दे रहा है, जहाँ से हमारा नेटवर्क क्लोज है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो नेटवर्क है वो कहाँ से हम स्टार्ट करें कि हमारा नेटवर्क आसान हो जाए। सबसे पहले आपको ये दो ब्रांच दिख रही होगी, इसमें दोनों रेजिस्टेंस 1 ओम 1 ओम पैरेलल में है। तो 1 ओम 1 ओम सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हो तो हमें शॉर्टकट पता ही है कैसे निकालते हैं। जैसे कि ये हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं पैरेलल में दोनों, तो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो निकलेगा जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1 और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 2, तो 1/2 ओम। इसका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व होगा वो होगा 1/2, और ये 1/2 इस वाले 1 ओम के साथ सीरीज में है, तो 1/2 + 1 ये हो जाएगा 3/2 ओम। तो यहाँ से हमारा सर्किट कुछ इस तरह से रीड्रॉ हो जाएगा। सबसे पहले 2 ओम, यह हो जाएगा 5 ओम, ये हमने सॉल्व कर लिया, तो ये हो जाएगा 3/, ये सबसे पहले 2 ओम और इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा 3/2 ओम। उसके बाद ये 4 और 3 दोनों सीरीज में है, तो मैं इन दोनों को एक साथ ऐड करके यहाँ पे लिख रहा हूँ 7 ओम या 7 ओम। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये जो 3/2 और 2 है ये दोनों पैरेलल में है। इसका हम पैरेलल कॉम्बिनेशन सोल्व करेंगे पहले इस इतने पोर्शन का। यहाँ पे क्या है हमारा 3/2 पैरेलल 2, ये हमें सोल्व करना है, तो ये हो जाएगा 3/2 / 2 डिवाइड बाय 3/2 + 2। 2 से 2 कैंसिल, 3 डिवाइड बाय 2, 2 ज़ा 4, 4 3 7, 7/2, तो हो जाएगा 6/7 ओम। इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा 6/7 ओम। तो ये हमारा सर्किट इस तरह से रीड्रॉ हो जाएगा, 2 ओम 5 ओम, ये हो जाएगा 6/7 ओम, ये हो जाएगा 7 ओम। ये हमारा जो नेटवर्क है वो बिल्कुल सिंप्लीफाई हो चुका है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये 6/7 और 7 ओम दोनों सीरीज में है, सीरीज, तो इसको हम पहले टोटल करेंगे। टोटल करके जो वैल्यू आएगी वो 5 के पैरेलल में होगी। यहाँ से जैसे सॉल्व करेंगे हम 6/7 पैरेलल + 7, तो ये हो जाएगा 7/7 = 49, 49 + 6 = 55 / 7 ओम। तो यहाँ से हमारा नेटवर्क बनेगा 2 ओम 5 ओम, और ये हो जाएगा 55/7 ओम। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे जो दो रेजिस्टेंस हैं ये दोनों पैरेलल में हैं, और इसका जो कम्बिनेशन होगा वो 2 के साथ सीरीज में ऐड होगा, ए और बी। यहाँ से हम इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 5/5/7 पैरेलल 5, इसको हम सोल्व करेंगे डिवाइड बाय 5/5/7 + 5, ये हो जाएगा 2/7/5 / 7, ये हो जाएगा 80/3/5/3/5 + 90 हो जाएगा, ये 90/7, 7 से 7 कैंसिल, और ये हो जाएगा 2/7/5 × 90, ये हो जाएगा 5×5 = 55/18 ओम, और ये 55/18 ओम इसका रिजल्टेंट है, 55/18 ओम। ये जो 55/18 ओम है ये 2 ओम के साथ सीरीज में है, तो नेट RAB आ जाएगा हमारा 55/18 + 2, ये हो जाएगा 55 + 36/18, ये हो जाएगा 91/18। इसको हम सोल्व करेंगे कैलकुलेटर से, तो ये हो जाएगा हमारा 91/18, ये आ जाएगा 5.056 ओम, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसको हम अप्रोक्सीमेट 5 ओम भी बोल सकते हैं।
चलिए एक बार फिर से देखते हैं ये एग्जांपल। हमारे पास एक नेटवर्क गिवन है और इसमें पूछा गया कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। सबसे पहले हम नेटवर्क को वहाँ से सोल्व करना स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमारा नेटवर्क क्लोज होता है। तो हमारा नेटवर्क इधर से क्लोज है, राइट हैंड साइड से। तो सबसे पहले हमें ये 1 ओम और 1 ओम के रेजिस्टेंस पैरेलल में दिख रहे हैं दोनों। तो जब भी हमारा एक एक सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस दो पैरेलल में हो तो हमें इक्विवेलेंट पता है उसका, जो हमारी वैल्यू दे रखी है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। तो टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हमारे दो हो गए, तो ये नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/2 ओम। यहाँ से 1/2 ओम और ये जो 1 ओम है ये दोनों सीरीज में होंगे, ये दोनों को हमने ऐड किया तो ये हो जाएगा 1/2 + 1, 3/2 ओम। 3/2 ओम इसका जो नेट है वो 2 ओम के साथ पैरेलल में है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद हमने 3/2 और 2 का पैरेलल कम्बिनेशन सोल्व किया, कैलकुलेशन की हमने, यहाँ से आया हमारा 6/7 ओम। ये 6/7 ओम हमारा सर्किट जो है सिंप्लीफाई हो गया। ये 6/7 और 7 ओम दोनों सीरीज में है तो हमने इसको टोटल किया तो ये हमारा हो जाएगा 55/7। 55/7 5 के साथ पैरेलल में है, इसको हमने पैरेलल कम्बिनेशन सोल्व किया, ये है हमारा 55/18 ओम। उसके बाद ये जो ये वैल्यू है वो 2 के साथ सीरीज में है, 55/18 + 2। तो ये कैलकुलेशन सोल्व किया हमने, ये हो जाएगा हमारा 91/18 और इसको अप्रोक्सीमेट बोल सकते हैं हम 5 ओम। और इसका जो प्रॉपर कैलकुलेशन अगर हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5.05555 ओम, जिसको हम 5.06 ओम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना अगला एग्जाम्पल। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 8। यहाँ पे भी हमें इक्विवेलेंट डिस्टेंस निकालना है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ये हमारे पास एक नेटवर्क गिवन है पॉइंट ए और पॉइंट बी। इस नेटवर्क में एक खास बात यह है कि इसमें जो वैल्यू दे रखी है रेजिस्टेंस की, प्रत्येक रेजिस्टेंस की वैल्यू 20 ओम है। तो इसको नेटवर्क को हम कैसे सोल्व करें, सबसे पहले हम इसमें पॉइंट मार्क करते हैं। ये हमारा ए ये बी है, इसको मानेंगे हम एक्स, पॉइंट एक्स मानेंगे इसको, इसको मानेंगे हम पॉइंट वाई। जैसे कि आप नेटवर्क में देख सकते हैं एक्स और वाई के बीच में दो रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में 20-20 और ये भी 20-20 दोनों सीरीज में है। तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, पहले हम इसको सोल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 40 ओम और ये भी हो जाएगा हमारा 40 ओम। और ये जो 40 ओम है दोनों पैरेलल में होंगे क्योंकि एक्स और वाई एक ब्रांच, एक्स और वाई दूसरी ब्रांच, तो दोनों पैरेलल में होंगे। 40 ओम दोनों सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस होंगे हमारे, 40 डिवाइड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएंगे 2। तो इसका जो नेट रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 20 ओम। तो हमारा जो नेटवर्क बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, ये हो जाएगा 20 ओम, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी हो जाएगा 20 ओम, उसके बाद ये हो जाएगा 20 ओम। तो ये ए से बी तक हमारे तीनों जो रेजिस्टेंस है 20-20-20 के, ये तीनों सीरीज में हो जाएंगे। तो यहाँ से जो नेट रिजल्ट आएगा 20-20-20, तो ये आर ए बी या आर इक्विवेलेंट ये हो जाएगा 20-20-20, 60 ओम। आसान सा प्रॉब्लम थी, एक बार दोबारा देखते हैं। हमारे पास एक नेटवर्क गिवन है, इसमें हमें रेजिस्टेंस निकालना पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में, पॉइंट ए दे रखा है पॉइंट बी दे रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स और वाई, हमने दो नोड को नेम दे दिया है एक्स और वाई, एक्स और वाई के बीच में दो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है आपको 20-20-20-20 हो जाएगा 40 ओम। और ऐसे यहाँ पे एक्स और वाई के बीच में दो रेजिस्टेंस है 20-20, 40 ओम हो गए। तो 40 और 40 दोनों पैरेलल में है तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो 20 ओम होगा। जैसे कि हमने इसको इतने पोर्शन को हमने रीड्रॉ कर दिया, रीड्रॉ करके हमारा आया 20 ओम। तो इन तीनों को हम सीरीज में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 60 ओम। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, प्रॉब्लम 9 या एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 9 देखेंगे हम अपना। एक नेटवर्क गिवन हमारे पास, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिखाई दे रहा होगा आपको, लेकिन जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा। एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच। इसमें हमें सबसे पहले देखना है कि हमारा जो नेटवर्क है वो सिंप्लीफाई कैसे हो सकता है, कैसे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये 1 ओम और 1 ओम, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में है। तो 1 और 1
दोनों अगर सीरीज में, तो ये हो जाएगा 2 ओम, और 2 और 2 दोनों पैरेलल में हैं, तो ये सोल्व हो गया, हो जाएगा 1 ओम। तो इसको हम ऐसे रीड्रॉ करेंगे, ये हो जाएगा 1 ओम। इसको आप समझ ही गए, इतना जो पोर्शन है 1 और 1 2, 2 और 2 पैरेलल कम्बिनेशन सोल्व करेंगे, तो हमारा नेट रिजल्ट आएगा 1 ओम। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा 2 ओम। उसके बाद हम पहुंचे यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं 3 ओम और 6 ओम दोनों पैरेलल में है, तो यहां से हम इसको सोल्व करेंगे, तो ये नेट रिजल्ट आ जाएगा 6 × 3/6+3, 18/9, तो 2 ओम आ जाएगा। इसका जो नेट रिजल्ट आएगा वो 2 ओम आएगा, ये हो जाएगा 2 ओम। उसके बाद यहाँ पे आएंगे हम, ये जो है 12 ओम और 4 ओम का रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में है, तो इसको हम अगर हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 × 4/12+4, 12 × 4 हो जाएगा 48, 12+4 हो जाएगा 16। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 ओम, तो ये भी हमारा सोल्व हो गया, ये हो जाएगा 3 ओम। उसके बाद एक 2 ओम का रेजिस्टेंस और दे रखा हमें, 2 ओम। हमारा जो सर्किट है या नेटवर्क है वो थोड़ा इजी हो गया। अब ये 2 और 2 दोनों सीरीज में है, तो ये हो जाएगा 4 ओम, और ये 4 ओम 3 ओम के साथ पैरेलल में है, तो 4 ओम और 3 ओम को अगर हम पैरेलल कम्बिनेशन सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 3/4+3, तो हो जाएगा 12/7 ओम, 12/7 ओम। तो ये कुछ इस तरह से रीड हो जाएगा सर्किट हमारा, 1 ओम 1 ओम, उसके बाद 2 ओम, और ये 2 और 2 4 और 3 दोनों पैरेलल में थे, तो यहां से हमने सोल्व किया, ये आ जाएगा 12/7 ओम। यहां आप देख सकते हैं 12/7+2 सीरीज में है, तो हम इसका सीरीज कॉम्बिनेशन सोल्व करेंगे, तो हो जाएगा 12/7+2, ये हो जाएगा 12+14/7, ये हो जाएगा 26/7, ये 20/6, 26/7 1 के पैरेलल में है, तो ये कुछ इस तरह से रीड्रॉ हो जाएगा 1 ओम, ये हो जाएगा 1 ओम। उसके बाद ये हो जाएगा 26/7 ओम, 26/7 ओम 1 के पैरेलल में है, तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे हम, 26/7 × 1, 26/7+1, तो ये हो जाएगा 26/7+26+7/7, 26/7 हो जाएगा 33/7, 7 से 7 कैंसिल, 26/33 ओम। उसके बाद ये 26/33 ओम है, ये 1 ओम के सीरीज में है, तो नेट आर इक्विवेलेंट या आर ए भी आ जाएगा 26/33 ओम+1 ओम, तो हो जाएगा 26+33/33, 639325, 59/33 ओम। इसको हम कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे, हमारा जो नेट रिजल्ट आएगा वो आएगा 59/33, इसका जो नेट रिजल्ट आएगा वो आएगा 1.78 ओम, 1.78 ओम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से देखते हैं, हमारे पास एक नेटवर्क गिवन है, जैसे कि हमें पहली नज़र में देख पा रहे हैं इसको, हमें कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें इजीली समझ आ जाएगा। पूछा गया है फाइंड द इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, पॉइंट ए है पॉइंट बी है, हमें देखने से कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन इसको सोल्व करेंगे जब हम स्टेप बाय स्टेप, तो हमें बिल्कुल आसान लगेगा। सबसे पहले हमने जो हमारा ईजिली पार्ट है, ईजी ईजी पार्ट है, वो हमने सोल्व किया। यहाँ हमने देखा कि 1 ओम और 1 ओम का रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में है, तो 1 ओम 1 ओम 2 ओम, और हमने देखा कि 2 और 2 दोनों पैरेलल में है, और जब हम दो वैल्यू का रेजिस्टेंस सेम होते हैं तो उसका हाफ हो जाता है, तो 2 और 2 का हाफ हो जाएगा 1 ओम, यहाँ पे हमने 1 ओम लिख दिया। उसके बाद 2 ओम एज इट इज। उसके बाद हम यहाँ पे आए, देख रहे हैं कि हम 3 ओम और 6 ओम दोनों पैरेलल में है, तो इसका हम जब पैरेलल कम्बिनेशन सोल्व करेंगे 3 ओम 6 ओम, तो ये हो जाएगा 6 × 3/6+3, यहाँ से 18, यहाँ से 9, तो इसको हमने सोल्व किया तो ये हो जाएगा 2 ओम, जैसे कि हमने यहाँ पे 2 ओम लिख दिया, और एक 2 ओम का रेजिस्टेंस ये है 2 ओम, और यहाँ आप देख पा रहे हैं 4 ओम और 12 ओम का रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में है,
12 इंटू 4, 12 प्लस 4, 48 डिवाइड बाई 16, 3 ओम, 3 ओम हमने यहाँ पे दिखा दिया। अब आप आगे देख सकते हैं कि 2 और 2 दोनों सीरीज में है, 4 और ये 4 3 के साथ पैरेलल में है, तो 4 3 के साथ पैरेलल कम्बिनेशन हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 बाई 7, इतना जो पोर्शन है वो हो जाएगा 12 बाई 7। और यहाँ पे उसके बाद देख सकते हैं 12 बाई 7 प्लस 2 दोनों सीरीज में है, यहाँ से हमने सीरीज कम्बिनेशन सोल्व किया 12 बाई 7 प्लस 2, 7 12 प्लस 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 बाई 7। इसका जो कम्बिनेशन है वो 26 बाई 7 है, यहाँ पे हमने लिख दिया 26 बाई 7। उसके बाद 26 बाई 7 एक 1 के साथ पैरेलल में है, तो हमने इसका पैरेलल कम्बिनेशन सोल्व किया 26 बाई 7 इंटू 1, 26 बाई 7 प्लस 1, 26 बाई 7, 26 प्लस 7 बाई 7, तो ये हमने सोल्व किया तो 26 बाई 33 आया। तो ये 26 बाई 33 1 ओम के साथ सीरीज में है, तो हमने इसका सीरीज कम्बिनेशन सोल्व किया कैलकुलेशन की, तो ये 59 डिवाइड बाई 3 3 आ गया। इसका जो नेट रिजल्ट है कैलकुलेटर से हमने सोल्व किया 1.78 ओम आंसर आ गया। ठीक है, हमने तीन एग्जांपल देखे अपने 7, 8, 9, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।